हे गाइस, आप लोग का स्वागत है नया स्टाइल एंड टिप्स में और मैं हूँ नेहा। तो गाइस, आज मैं आपके लिए विंटर में कुछ वीकली स्किन केयर रूटीन लाई हूँ जो आप करोगे। ये DIY हो सकता है, होम रेमेडी हो सकता है, जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो चलिए पहले वो देखते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है रॉ मिल्क क्लिंजिंग के लिए, शहद 1 चम्मच, शहद में 1/2 चम्मच नींबू, हमारे फेस को वॉश करने के लिए स्क्रबिंग के लिए शहद में 1 चम्मच शहद में हमने 1 चम्मच चीनी ली है जिसको हमने हल्का हल्का मोटा मोटा पीस लिया है, और इसी में हमने 1/2 चम्मच पानी डाला है। आप जब भी ये चीज़ अप्लाई करें उससे आधे घंटे पहले इसको तैयार करके रख ले, तभी एकदम सही आपको मिलेगा जैसे आपको इसकी कंटेंसी चाहिए होगी। उसके बाद हमने लिया है फेस पैक के लिए, लिया हमने दही, उसमें हमने 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला है, और इन सबको यूज़ करने के लिए यहाँ कॉटन पैड और आप नॉर्मल यूज़ होने वाली कॉटन भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। सो गाइस, हमने सबसे पहले अपना क्लिंजर यानी कि अपना रॉ मिल्क लिया है जो कि हम अपना पूरा मेकअप रिमूव करने के लिए, अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे। आप देख लीजिए इसने मेरे मेकअप यानी मेरी लिपस्टिक को बहुत अच्छे से रिमूव किया है। इसे कॉटन पैड या कॉटन से आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई करिए। रॉ मिल्क हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है, स्किन टोनर का भी काम करता है, कील मुहासों को भी दूर हटाता है, हमारी त्वचा को एकदम फेयरनेस सा लुक देता है, एकदम मतलब एकदम ग्लोइंग ग्लोइंग मेकअप लुक हो जाता है। सो गाइस, विंटर्स है तो मैं सबसे पहले ये रखती हूँ कि मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें उसकी वो हमारे फेस को मॉइस्चराइज करें, क्योंकि हमारे ठंडियों हमारे फेस जो होते हैं वो पूरी तरह ड्राई हो जाते हैं। तो मैं इसी रॉ मिल्क को कॉटन पैड से पूरे फेस पर लगा के अच्छे से हल्के हाथों से रब कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप ये काम अपनी उंगलियों के सहायता से भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जो चीज़ भी अपने फेस पे अप्लाई करें उसे अपने नेक पे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। आप देखिए, मैंने अपने पूरे नेक पे भी इसे अप्लाई किया है। आप अपनी आंखों का ध्यान दे के ही इस रॉ मिल्क का इस्तेमाल करें। कभी कभी आंखों में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा मेरी आंखों में चला गया, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना पूरा फेस हल्का सा धो के हल्का सा ड्राई किया। ऐसे आप एकदम पूरी तरह ड्राई ना करें, क्योंकि उसके बाद हम यूज़ करेंगे शहद और नींबू। क्योंकि अगर आपका फेस एकदम ड्राई हो जाएगा तो शहद और नींबू अच्छे से आपकी स्किन पर लगेगा नहीं। शहद और नींबू के अपने ही फ़ायदे होते हैं, जहाँ नींबू एक एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ नेचुरल ब्रीथ का काम करता है, वहीं शहद स्किन को हाइड्रेट करके उसे स्मूथ बनाता है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। बहुत पहले से लोग शहद का यूज़ करते आए हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, डेड स्किन हटाने के लिए, और कील मुहासे, डार्क स्पॉट्स, ये सब हटाता है, हमारे पोर्स को भी बंद करता है। और इसके नींबू जो होता है वो मैंने बता दिया ब्लीच की तरह काम करता है। आपको इसे अपने पूरे फेस पे लगा के अच्छे से अप्लाई करना है। और आप एक चीज़ याद रखिए, आप जब भी ऐसी कोई वीकली स्किन केयर करें तो उसे अपने फिंगर से ही अप्लाई करें, अपने थम मतलब अपने जो हाथ के बीच के एरिया होता है उसे ना अप्लाई करें। इसके बाद इसे भी आपको धोना है और अच्छे से ड्राई कर लेना। इसे आप अच्छे से ही ड्राई करें, आप देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छे से। अगर आप हफ्ते में यानी वीक में एक बार संडे को ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन बिना किसी चीज़ के एकदम चमक जाएगी। उसके बाद मुझे स्क्रबिंग करना था तो मैंने यहाँ पे शहद और चीनी लिया है। आप मैंने आपको शहद के सारे गुण बता दिए हैं, क्योंकि चीनी जो होती है जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो हमारे सर जो चेहरा होता है उस पर से डेड स्किन उतारता है, तो उसकी वजह से हमारा चेहरा जो होता है वो ड्राई होता है। लेकिन शहद की वजह से आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी। आपको मैंने बताया कि चीनी कैसे लेना है, आप वैसे ही चीनी लें, खड़ी चीनी ना लें, क्योंकि उससे स्किन पर बहुत हार्म होता है। आप देखिए मेरी चीनी के छोटे छोटे जो वो है ना कड़, वो दिख रहा है, इससे आपकी पूरी स्किन पे अच्छे स्प्रेड होगा और आपकी डेड स्किन अच्छे से निकलेगी। जैसा कि मैंने बताया, आपको हफ्ते में एक बार ही अप्लाई करिए, आपकी स्किन ना दमकती रहेगी, आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेकअप करते हैं आपकी स्किन पर होता है ना कि कोई मेकअप करता है उसकी स्किन ख़राब होने लगती है, तो आप ये अप्लाई करें हफ्ते में एक बार, आपकी स्किन एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाएगी। अच्छे से अपने फेस पे, लिप पे, नेक एरिया पे अप्लाई करें। आप इसे आँखों से दूर रखें, मैं आपको ये सलाह देती हूँ। मैंने अपनी आँखों पे एंड में बहुत हल्का सा स्क्रब किया है। अच्छे से अपने नोज एरिया पे अप्लाई करें, उसके बाद अपने फेस को धो लें कूल मतलब ठंडे पानी से। सॉरी गाइस, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ और मैं रुक नहीं रही, तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, उसे एक टॉवल से ड्राई कर लिया है, एंड उसके बाद मैं अपना लास्ट जो होता है हमारा फेस पैक वो अप्लाई करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ 4 ही स्टेप बताया, वैसे नॉर्मली 5 से 6 स्टेप्स होते हैं,
इसमें है दही और कॉफ़ी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। दही भी एक मिल्क का ही होता है, तो वो भी हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। और कॉफ़ी जो होता है वो हमारी स्किन में, हमारी स्किन को एक अलग ही तरह का वो देता है कि ग्लोइंग बनाता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, जिससे स्किन की जो हमारी स्किन जो होती है वो यंग रहती है। मतलब होता है ना, जैसे आप उम्रदार नहीं लगते हो, वो हो जाता है। चेहरे पे पड़ी झुर्रियों को कम करता है, बैक्टीरिया फंगस को दूर रखता है, और इसे आपको फेस पे लगा के अच्छे से मतलब मसाज करना है, छोड़ना नहीं है। हम लोग पैक वैसे नॉर्मली लगा के छोड़ देते, लेकिन इसे नहीं छोड़ना है। इसे अच्छे से आपको अराउंड 7 to 8 minutes या फिर 10 minutes अराउंड आपको अच्छे से मसाज करना है। आप देखिए मैं किस तरह मसाज करूँ, आप इसी तरह मसाज करिए। आप अपना मेथड भी अपना सकते, इसमें कोई वो नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है कि इस पूरे प्रोसेस में आपको अराउंड 15 minutes ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो गाइस आप हफ्ते में अपने लिए 15 minutes तो निकाल ही सकते हैं। आप देखिए इसके बाद कितना अच्छा, आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे। इसे हटाने के बाद ये ग्लो और बढ़ जाता है। सो गाइस होता ये है कि मैं इसके बाद मैं इसको कॉटन से हटा दे रही हूँ। आप डायरेक्टली जाके धोएंगे तो आपकी आइस में जाने का डर है। आप इसे पहले कॉटन से हटाइए, उसके बाद टॉवल से ड्राई कर लीजिए। सो मैंने ड्राई कर लिया, ये मेरा लास्ट स्टेप था। बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने टोनर इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो दही इतनी ठंडी होती है कि जब उसे अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे ओपन पोर्स जो हैं वो अपने आप क्लोज हो जाएंगे। और दही जो होती है वो एक मॉइस्चराइजर, इसका काम खुद ब खुद आपकी स्किन खुद ही इतनी मॉइस्चराइज लगेगी, आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दही आपका टोनर और मॉइस्चराइजर दोनों का काम करेगी। आप देख लीजिए मेरी स्किन कितनी क्लियर हो गई, सारे डेड स्किन साफ़ हो गए, ब्लैकहेड साफ़ हो गए। ऊपर हमारे अक्सर कर हमारे फोरहेड पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर आते जाते हैं वो भी क्लियर हो गया। तो आप हफ्ते में अगर ये चीज़ एक बार अप्लाई करोगे तो मैंने बताया आपको कितना अच्छा आपको फ़ायदा करेगा। आप देख लीजिए मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन को दबा लीजिए, जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो गाइस इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ बाय बाय, और तो बाय बाय।